अपूर्णा और कैसे हैं आप लोग। एक और नया दिन और एक और नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आ चुकी हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ चिली चिकन। तो ये चिली चिकन मैं कैसे बनाती हूँ आपको पूरा दिखाऊंगी, मगर उससे पहले फटाफट से दो तीन काम आप लोग भी कर लीजिए। फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये चिली चिकन बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें मैंने ले ली है। इसमें है लहसुन है, हरी मिर्ची है, प्याज है, गाजर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते, मैंने थोड़ा सा डाल रही हूँ। और शिमला मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, एक अंडा है और ये चिकन है। सॉस है टोमेटो सॉस, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, रेड चिली सॉस और नमक। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम है शुरू करने से पहले गैस को ऑन करना। तो चलिए गैस को ऑन कर देते हैं, कढ़ाई गर्म हो रही है। सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें हम लोग डाल देते हैं तेल। हमें फ्राई करना है उस हिसाब से तेल ले लीजिएगा। ये गर्म हो रहा है तो तब तक मैरिनेशन का काम कर लेते हैं। चिकन, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, मैदा 2 चम्मच दे देते हैं, कॉर्नफ्लोर ये भी 2 चम्मच दे दे रही हूँ, बेकिंग पाउडर ये थोड़ा सा दे दे रहे हैं और ये अंडा, अंडा को फेंट के इसमें डाल देती हूँ, अंडा, नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा ही डालेंगे, इसको हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है इसको, सब कुछ अच्छे से मिल चुका है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि और अच्छे से ये मिल जाए और तब तक हमारा कढ़ाई और तेल दोनों गर्म हो जाएगा अच्छे से। अभी मैंने लो फ्लेम में रखा है कढ़ाई को, इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो कढ़ाई भी हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी, तेल भी गर्म हो जाएगा। मिनिमम हीट पे रखना है क्योंकि चिकन है, उसको पकने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो चलिए 5 मिनट वेट करते हैं और 5 मिनट हो चुका है, चलिए एक एक करके चिकन को फ्राई करते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग फ्राई करेंगे। आधा मैंने डाल दिया, फिर दोबारा इसको डालूंगी मैं और एक बार फ्राई होके निकाल लेंगे, फिर दोबारा इसको फ्राई करेंगे। उससे क्या होगा कि वो क्रिस्पी अच्छा बनेगा। इसको धीरे धीरे फ्राई होने देते हैं ताकि चिकन भी अच्छे से पक जाए। ये हाफ फ्राई हो चुका है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, फिर दोबारा इसको डालेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही फूल फूल के इतना बड़ा बड़ा हो गया। मेरे छोटे छोटे पीस थे वो फूल फूल के, देखिए इतने बड़े बड़े, अभी गर्म है तो चलिए दोबारा इसको करना है अभी। और जो बचे हुए हैं इसको भी डाल देते हैं। तो ये भी हो चुका है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और जो पहले हम लोग डाले थे उसको दोबारा से एक बार फिर से कर लेते हैं। इस बार थोड़ी सी तेज फ्लेम में करेंगे, ज्यादा तेज नहीं, हल्के तेज पे कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोबारा से इसको तल लिया है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं और इस कढ़ाई को साइड में रख देते हैं। अब हम लोग ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे चिली चिकन का। तो आगे का प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले इसमें तेल डाल देते हैं। तेल आप जैसा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डालिएगा, कम खाते हैं तो कम डालिएगा। जो भी ऑयल यूज करते हो कोई भी ऑयल में आप बना सकते हैं इसको, सरसों तेल में नहीं। तो बारी आ चुकी है सारी सब्जियां डालने के लिए। तो सबसे पहले तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग लहसुन और हरी मिर्ची को डाल देंगे और सबसे पहले हम लोग गाजर को डालेंगे क्योंकि गाजर पकने में थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको पहले पका लेंगे हम लोग। गाजर अभी हम लोग ढक देते हैं ताकि गाजर अच्छे से गल जाए। गाजर अच्छे से पक चुका है तो बाकी की चीजें भी जल्दी से डाल देते हैं, शिमला मिर्च और प्याज साथ में डाल देते हैं और इसको फ्राई करते हैं। ज्यादा फ्राई तो करना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पक जाना चाहिए, कलर चेंज हो जाना चाहिए प्याज का, उसके बाद बाकी की चीजें और डालेंगे इसमें। तो सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और गल भी चुकी हैं, तो अब टाइम आ चुका है सारे सॉसेज डालने का। तो ये सबसे पहले टोमेटो सॉस, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन भी मैं डाल दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है। सोया सॉस ये ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालेंगे। चिली सॉस तीखा जैसा खाते हैं, रेड चिली सॉस, विनेगर स्वाद अनुसार, क्योंकि चिकन में मैंने भी डाला था और यहाँ पे भी डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी, इनको अच्छे से मिला लेते हैं सबको और हमें पकाना अब कुछ भी नहीं है,
बस अच्छे से मिल जाए, ग्रेवी अच्छी तैयार हो जानी चाहिए। और हाँ, ग्रेवी अगर ज्यादा रखना चाहते हैं तो पानी ज्यादा डालिएगा, कम रखना चाहते हैं तो कम डालिएगा। अब हम चिकन को भी डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। तो इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया, लास्ट एक चीज बच गया, ये कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि इसकी थिकनेस अच्छे से बनी रहे। ग्रेवी अच्छी लगती है इससे और थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रहती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। उसके बाद हमारा चिली चिकन बिल्कुल तैयार है। तो मेरा चिली चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं आपको मिलती हूँ डाइनिंग टेबल पे। चिली चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप सबने देख ही लिया कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मैं चलती हूँ, और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। बाय बाय।